खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी के बीच सीधी लड़ाई होगी, क्योंकि तीसरा प्रत्याशी उप लड़ाई से बहुत दूर लग रहा है। जहां एक ओर कांग्रेस ने स्थानीय महिला प्रत्याशी कविता सिंह को टिकट दी है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने मुरैना निवासी विष्णुदत्त शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वर्तमान समय में दोनों प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर है, जहां एक ओर कांग्रेस प्रत्याशी को स्थानीय महिला प्रत्याशी होने का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी वीडी शर्मा को मोदी लहर का असर देखने को मिला। अपने अपने वादों को लेकर चुनावी प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। वहीं विगत दिनों पूर्व बहोरीबंद विधानसभा के रिठी नगर क्षेत्र में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी वीडी शर्मा जी ने अपने समर्थकों सभा को संबोधित किया, तो कल कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती कविता सिंह अपने समर्थकों व पूर्व विधायक कुंवर सौरभ सिंह के साथ बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के 19 ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क करने के बाद रिठी नगर के गोल बाजार जैन मंदिर प्रांगण में सभा को संबोधित किया। रिठी संवाददाता हरिशंकर बेन की रिपोर्ट। पूरी औपचारिकता अलग करते हुए रिठी ग्राम पंचायत जनपद पंडित हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी श्री कविता राजे जी को, जो कि हमारे क्षेत्र की रिठी क्षेत्र में मंच पर उपस्थित आप सभी के लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय सौरभ भैया, हमारे साथ आई हुई जमीना बेगम जी, जहांरा बेगम जी, हमारी ममता जी, रश्मि बहन और युवा पदाधिकारी, रीठी क्षेत्र के और आसपास के सभी जनप्रतिनिधि, इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ युवा बच्चे और महिलाएं, सभी का हृदय से अभिनंदन और प्रणाम करते हैं। निवेदन करने आई हूँ, एक आग्रह करने आई हूँ कि आप लोग बहुत समय से जो एक मांग, तो अब आपके सामने आपकी ही क्षेत्रीय प्रत्याशी है और दूसरे तरफ आपके मुरैना से आए हुए भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो पहला फर्क तो यही है आपके बाहर के प्रत्याशी हैं। बाहर के प्रत्याशी से आप ये उम्मीद रखोगे कि शायद ये हमारा विकास करे, लेकिन क्षेत्रीय प्रत्याशी तक तो आपकी पहुंच होगी ना, सच बोल रही हूँ कि नहीं? क्षेत्रीय प्रत्याशी तक आपकी पहुंच होगी तो आप अपनी बात रख सकेंगे, आप उनसे कह सकेंगे, आप उनसे लड़ सकेंगे, क्योंकि आपके क्षेत्रीय हैं। आप कह सकेंगे हमें हमारा विकास चाहिए, आप लड़ सकेंगे। लेकिन बाहर के प्रत्याशी यदि बाहर चले गए तो आप उनके क्षेत्र में ना उनसे कहने जाएंगे ना उनसे लड़ने जाएंगे। और विगत कई वर्षों से मैडम जी, आप इस क्षेत्र में इतने दिनों से घूम रही हैं, आप लोकसभा प्रत्याशी हैं, तो इस क्षेत्र में आपको क्या कमी नजर आई, क्या समस्या नजर आई? मुझे यहाँ ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया कि जिसे मैं विकास का नाम दे सकूं। यदि सड़कों की यहाँ हालत देखूं तो सड़कें बेहाल हैं। पानी की यदि हालत देखूं, जिन गांव में आ रही हूँ, लोगों का कहना है पीने को पानी नहीं यहाँ पर। भाजपा मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकी, जो है पानी, सड़क और बिजली। तो जब मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकी तो भाजपा सरकार करेगी क्या? यदि अपनी पार्टी सत्ता में आई मैडम जी, तो सबसे पहले बहोरीबंद क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या करेंगे? बहोरीबंद क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ जो मैंने देखा है कि यहाँ पर जो मेन समस्या है वो पलायन की स्थिति बनी हुई है, और युवाओं में और इन सब में बाहर लोग जाते हैं काम करने के लिए। और अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम 22 लाख सरकारी नौकरियां जो रिक्त पड़ी हैं उनको भरने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर उसमें रिठी के भी कई लोगों का और बहोरीबंद के भी कई लोगों का उसमें लाभ मिलेगा। साथ ही यहाँ पर मैंने देखा कि पानी की बहुत समस्या है, यहाँ के किसानों को ना ही पानी का कोई साधन है, ना ही यहाँ के युवाओं को पानी का कोई साधन है, और यहाँ के बच्चों मतलब महिलाओं के लिए भी बहुत समस्या बनी हुई है। तो मेरा मेन मकसद होगा कि मैं यहाँ के लोगों के लिए पानी कुछ नहीं। पानी की जो समस्या है उसके लिए कदम उठाऊं। साथ ही यहाँ के जैसे जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा
शिक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर जो स्कूल है, स्कूल आज भी आठवीं तक, कई स्कूल है जो आठवीं तक है, तो उनका उन्नयन भी होना जरूरी है। क्योंकि भाजपा सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, पर उसका कोई भी मुझे नजर नहीं आता। और बल्कि यहाँ पर बेटियों की बहुत बड़ी दुर्दशा है। तो हमारा उद्देश्य होगा कि हम उन स्कूलों का उन्नयन करें ताकि बच्चियों को और बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके।